जमीन छीन लेने वालों के मुस्तकिल लालच के तुफैल न सिर्फ समंदर हमारे साहिल से परे धकेल दिया गया है, बल्कि माईकुलाची नामी सड़क के साथ बोट बेसन के पीछे वाले पानी भी कम किए जा रहे हैं। वो हमारा बोट बेसन है ना कराची में, वो बोट बेसन तो एक किस्म से जिसको अंग्रेजी में बैक वाटर्स कहते हैं, कि जब भी जमीन समंदर को ज्वाइन करता है तो जमीन और समंदर के बीच में एक जगह ऐसा न्यूट्रल होता है जो उसको थोड़ा टाइम देता है कि अगर बारिश का पानी आता है तो वो एक फ्लड बेसिन बनता है, कि फ्लड का पानी को रोकता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता फिर समंदर को ज्वाइन करे, या समंदर जब चढ़ के आता है तो उसका पानी वो लेता है ताकि ज़मीन पे असर ना हो। और यही बैक वाटर वो होते हैं जो कि मैनग्रूव्स, झींगे मछली उनके अंडे देने की जगह होती है, और मैनग्रूव्स कुदरती फ्लड से रोकने वाली एक किस्म से दीवार बन जाती है। ना सिर्फ वो बेतहाशा बारिश के पानी को न्यूट्रलाइज करती है, आबादी में जाने से रोकती है, वहाँ के मैनग्रूव्स को पैदा करती है जो कि फ्लड्स रोक सकते हैं। सात साल पहले कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एक बाईपास बनाया जिसका नाम है माईकुलाची बाईपास। जब बनाते वक्त उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया कि ये बोट बेसिन की अहमियत क्या है, यहाँ कौन सा चैनल आ रहा है। दो चैनल आ रहे हैं, सोल्जर बाजार ड्रेन, सिटी रेलवे स्टेशन ड्रेन, जो पूरे पुराने शहर का गटर, इंडस्ट्रियल वे सब लेके उस पॉइंट पे आता है। वो जो पानी ला रहा है वो तो पीछे से ला रहा है, तो वहाँ पर जो रोड क्रॉस किया, जैसे ये नाला आ रहा है क्रॉस कर रहा है, इस क्रॉसिंग में जहाँ पर वो 65 फीट वाइड पहले थी तो उसको आधा बना दिया गया, आधा कर दिया गया, और उसकी बेस को भी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से ये पूरा पीछे का तो इलाका गया ख़त्म, पूरा मैनग्रूव सब कुछ ख़त्म, और यहाँ पर KPT ज़मीन हथिया रही है, बैक वाटर्स को ख़त्म कर रही है। तो इसका मतलब कि वो बोट बेसिन का बैक वाटर की भी अहमियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर जगह इंसान रहे, हर जगह सिर्फ पैसे बनाए। ये तब्दीलियां अमीर तबके को मजीद फायदा देंगी। मरात याफ्ता तबके कराची के चेहरे की इस बदनुमा खुशनुमाई से आलमी मयार का शहर बन जाने पर जश्न तो मना सकते हैं, मगर इन तब्दीलियों की वजह से आने वाली तबाही बहरहाल इनमें और अवाम में कोई फर्क नहीं करेगी। अगर कराची के गंदे नालों और बरसाती पानी की निकासी के सिस्टम पर तजावुजात बनती रहीं, तो गरीब और अमीर दोनों तबके सख्त नुकसान उठाएंगे। तो हल ये कि एक जमीन को हथियाने का अमल रोके, उसको वापस बैक वाटर्स को रिक्लेम कर...